हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृतिका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम इससे पहले की वीडियो में जो हमने अम्ब्रेला का फ्रॉक की कटिंग की थी ना, उसी की हम आज स्टिचिंग करने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए को उसको कैसे स्टिच करना है। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला जो बनाया था ना, उसको कम्प्लीट कर लेते। तो इसको क्या करना है, ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उसको सीधा रख लेना है। उसके ऊपर ये जो हमारा कैनवास पेपर है ना, वो ये देखो यहाँ पे ना, ऐसे ये वाला जो यहाँ पे साइन जैसा करता है ना, वैसे ये कैनवास पेपर रहता है ना, उसको हमें इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। फिर इसके ऊपर हमें प्रेस चला लेनी है, तो ये ना कपड़े के साथ पूरा चिपक जाएगा। तो चलो इस पे पहले प्रेस लगा लेते हैं। देखो ये मैंने इसके ऊपर ऐसे प्रेस चला ली, तो ये कपड़े के साथ ऐसे चिपक गया। फिर इसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर भी प्रेस चला ली है, तो हमें यहाँ पे वापस से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये पीछे की साइड से ऐसा हो गया और आगे की साइड से ऐसा। अब इसको लगाना कैसे है ना, वो देखते हैं। अब हमें लगाना कैसे है ना, तो ये जो हमारा लाइनिंग का जो फैब्रिक है ना, उसको हमें ऐसे रख लेना है। फिर ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसको हमें इसके ऊपर ऐसे सीधा रख लेना है। अस्तर का जो हमारा कपड़ा था ना, उसके ऊपर हमें इसको ऐसे सीधा रख लेना है। देखो ऐसे मैंने सीधा रख लिया। अब यहाँ पे ये दोनों कपड़े को ज्वाइंट कर लेना है, मतलब पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है हमें, एक एक सिलाई लगा लेनी है किनारे पे। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब ये देखो यहाँ ये जो ज्यादा कपड़ा दिख रहा है ना, उसको हमें ये अस्तर के बराबर कट कर लेना है। हमने इसको कट करके हो गया, अभी इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेंटर में ना एक लाइन बना लेनी है, ऐसे सीधे में। देखो यहाँ पे ना मैंने ऐसे बीच में लाइन बना के कर लिया है। देखो ये लाइन बना लेनी है ऐसे। ये लाइन बनाने के बाद क्या करना है, ये जो हमने बनाया था ना, उसको ये जो हमारा अस्तर का जो कपड़ा इससे कैनवास पेपर से ज्यादा है ना, तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं कैनवास पेपर के बराबर। देखो इसको मैंने ऐसे कट कर लिया। अब क्या करना है, ये जो हमने लाइन बनाई है ना, तो इसके ऊपर हमें इसको ऐसे रख लेना है। ये जो हमने पीछे वाली जो लाइन बनाई है ना, और ये वाली सीधी लाइन है ना, दोनों सेम आनी चाहिए, वैसे इसको रख लेना है। फिर यहाँ पे बीच में हम ना कच्ची सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। कच्ची सिलाई कैसे करते हैं, तो ये जो मशीन में रहता है ना, उसको हम ऐसे ऐसे कम कर लेना है ऐसे। तो ये जो हमारी सिलाई रहेगी ना, वो बड़ी सिलाई हो जाएगी, तो हमें वापस से निकालना है ना, तो उसके लिए आसानी रहती है, इसके लिए हम कच्ची सिलाई लगाते हैं उसमें। तो ये हमने बीच में सिलाई लगा ली, और ये सिलाई देखो ऐसे बड़ी बड़ी सिलाई रहती है, वो बाद में हम निकाल लेंगे। अब हमें वापस से इसको छोटी सिलाई कर लेना है ऐसे। देखो ये मैं 3 पे रखती हूँ। अब ये जो हमने पेन से मार्किंग की है ना, तो उसके ऊपर से ही सिलाई लगा लेनी है। देखो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेना है, यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको ऐसे लेके ऐसे जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है ना, वैसे ही सिलाई लगाते जाना है यहाँ तक। देखो यहाँ पे मैंने ये डबल सिलाई लगा के हो गया। अभी इसको कट कैसे करना है, तो सबसे पहले बीच में से इसको कट कर लेना है। बीच में से ध्यान से कट करना, क्योंकि जो हमने सिलाई लगाई है ना, वो कटनी नहीं चाहिए। ऐसे इसको कट कर लिया। फिर यहाँ से हमें आधा इंच छोड़ के इसको कट कर लेना है। फिर हमें पूरे गले में इसको कट कर लेना है। देखो यहाँ पे कट कर लिया, फिर इधर की साइड का भी इसको कट कर लेना है। फिर यहाँ पे भी हमें आधा आधा इंच छोड़ के, इतना गैप छोड़ के फिर इसको कट कर लेना है। तो ये हमने ऐसे कट करके हो गया। अभी इसमें ना हमें छोटी छोटी ऐसे कट्स लगा लेनी है, ऐसे पूरे में कट्स लगा लेनी है। और ऐसा रहता है ना, यहाँ पे हमें ऐसे यहाँ तक कट्स लगा लेनी है, वो भी ध्यान से लगानी है। हमारी सिलाई जो लगाई है ना, वो कटनी नहीं चाहिए, वैसे इसमें कट्स लगा लेनी है। ये यहाँ पे भी कट्स लगा लेनी है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो हमने पूरे में कट लगा के हो गया। अभी इसको हमें ऐसे पीछे की साइड पे कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा ये, और ये जो पॉइंट रहेगा ना, वो सुई की मदद से इसको ऐसे कर लेना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसके ऊपर प्रेस चला लेनी है, यहाँ से प्रेस नहीं चला लेनी है, पीछे की साइड से चला लेनी है। ये हो गया। और ये जो हमारा फैब्रिक है ना, उसके ऊपर ना पूरे गले में ना तुरपाई कर लेनी है,
और यहाँ पे ये खुली साइड रहेगी ना, तो यहाँ पे हम ये वाला मोती ज्वाइंट कर लेंगे। हमने यहाँ पे मोती लगा के हो गया, ऐसे हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। नीचे के पार्ट्स के लिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसको हमें सीधा रख लेना है। उसके ऊपर ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उसको रख लेना है। ये सिलाई लगा के हो गया। अभी ज्यादा कपड़ा है ना, उसको हमें अस्तर के बराबर कट कर लेना है। ये कट करके हो गया। फिर यहाँ पे हमें कट्स लगा लेनी है। कट्स ऐसे लगानी है जो हमने सिलाई लगाई है ना, उसके बाहर जानी नहीं चाहिए। वैसे पूरे गले में कट्स लगा लेनी है। ये कट्स लगा के भी हो गया। अभी इसको ऐसे पीछे की साइड कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा के हो गया। अब इसको पीछे की साइड कर लेना है और यहाँ से लेके यहाँ पे पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई लगा के हो गया। अब ये जो ज्यादा कपड़ा बच रहा है ना, उसको हमें अस्तर के बराबर कट कर लेना है। कट करके हो गया। अभी इसको सीधा रख लेना है। उसके ऊपर ऊपर के पार्ट्स को हमें ऐसे उल्टा रख लेना है। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे हमें शोल्डर पे डबल सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। ये हमने शोल्डर पे डबल सिलाई लगा के होगा। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे, सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाए। अब हमें इसमें स्लीव्स नहीं लगानी है ना, तो क्या करना है, ये जो हमारे पास फैब्रिक था ना, उसमें से ये मैंने फोर कपड़ा निकालिया है। देखो ये फोर फैब्रिक है, ये पूरी फोल्ड साइड रहेगी, तो इसके ऊपर इसको ऐसे रख लेना है। ये फोल्ड साइड और ये फोल्ड साइड ऐसे इसको रख लेना है। फिर यहाँ से इसको इसके बराबर ही कट कर लेना है। ये कट करके हो गया। फिर इधर की साइड से हमें डेढ़ डेढ़ इंच ज्यादा कट कर लेना है। ये हो गया, ऐसे हमें ये दो पट्टी मिल जाएगी। अब हमें इसको लगाना कैसे है, तो इसको हम ऐसे पूरा ओपन कर लेंगे। फिर ये जो पट्टी है ना, तो उसको हमें इसके बराबर ऐसे रख लेना है। ऐसे रखने के बाद आधा इंच छोड़ के यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। ये हमने ऐसे सिलाई लगा के हो गया। देखो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगाई है। अभी इसमें ना ऐसे कट्स लगा लेनी है, वो कट्स यहाँ तक लगा लेनी है। ये पूरे में ये कट लगा के हो गया। अभी इसको क्या करना है, कैसे फोल्ड करना है, वो ध्यान से देखना। देखो इसको ऐसे कर लेना है। फिर इसको हम यहाँ से, ये जो कपड़ा है ना, उसको कट लगाया है, वो कपड़ा इसको अंदर ले लेना है। ऐसे ऐसे ही इसको भी कर लेना है। फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा के हो गया। देखो ये पीछे की साइड से ऐसा हो जाएगा। जो हमने कट लगाई थी, वो कपड़ा इसके अंदर जाना चाहिए। वैसे इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। फिर ये ज्यादा कपड़ा दिख रहा है ना, तो उसको हमें कट कर लेना है। ऐसे करके ये कट करके हो गया। अब इसको हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ से देखो, ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, उसके बराबर इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने ऐसे सिलाई लगा के हो गया। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा और आगे की साइड से ये ऐसे रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है ना, पट्टी को रख के, सेम वैसे ही यहाँ पे भी कर लेना है। ये हमने दोनों साइड पे पट्टी लगा के हो गया। ऐसे हमारा ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नीचे का जो घेर है ना, वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी ये जो हमारा नीचे का घेर था, यहाँ पे हमें ज्वाइंट लगाना पड़ा था ना, तो देखो ये कपड़ा हमने कटिंग किया था, तो उसमें ये वड़ांक वाला कपड़ा है और ये सीधा कपड़ा है। तो इसको ज्वाइंट कैसे लगाना है, वो ध्यान से देखना। देखो पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे के कपड़े में पहले ज्वाइंट लगा लेते हैं। तो उसको क्या करना है, देखो ये जो कपड़ा है ना, ये सीधा कपड़ा है, उसको इसके ऊपर हम उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखेंगे फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। तो ये जो पूरा कपड़ा है ना, ये वाला, ये तीन, इसमें भी सेम ऐसा ही कर लेना है। ये जो हमारे पास कपड़ा है ना, तो ये सीधा रहेगा, तो उसके ऊपर हम इसको ऐसे उल्टा रख लेंगे। और ये ज्यादा कपड़ा यहाँ पे लगेगा ना,
देखो यहाँ पे ज्यादा कपड़ा लगेगा ना, तो ये ज्यादा कपड़ा रहेगा वो यहाँ पे ही आना चाहिए। फिर ये वाला आप यहाँ पे रख लोगे तो ये नहीं चलेगा, इसको ही यहाँ पे रखना है, ऐसे रखना है, फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली, तो ये इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये कपड़ा है ना, तो इसके ऊपर हमें इसको ऐसे उल्टा रख लेंगे, ये जो कपड़ा है उसको इसके ऊपर हम उल्टा रख लेंगे, फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे पूरे में जॉइंट लगा के हो गया, अब इसको हम ऐसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे जो ज्यादा कपड़ा दिख रहा है ना उसको हमें कट कर लेना है। ये कट करके हो गया, अब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें नीचे के घेर के लिए ये जो हमने कॉटन का फैब्रिक कट किया था ना उसको ऐसे सीधा रख लेना है, उसके ऊपर हमें ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको भी ऐसे सीधा रख लेना है। सीधा रखने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया, जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई ऐसे ही पीछे के पार्ट्स में जो दूसरा कपड़ा है ना उसमें भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये हमने दोनों में यहाँ पे कमर पे सिलाई लगा के हो गया, अभी इसको ऊपर के पार्ट्स से स्टिच कैसे करना है ना वो देखते हैं। ये जो हमारा घेर का जो कपड़ा है ना उसको सीधा रख लेना है, उसके ऊपर ये ऊपर के पार्ट्स को उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे हमें ऐसे डबल सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच छोड़ के, इतना इतना गैप छोड़ के यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया, अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी ऐसा ही कर लेना है, इसको हम सीधा रखेंगे फिर नीचे का जो घेर का जो कपड़ा है ना उसको इसके ऊपर हम उल्टा रख लेंगे, फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है डबल सिलाई। देखो यहाँ पे ये ज्वाइंट लगा के हो गया, अब इसको उल्टा कर लेना है, फिर यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो चेस्ट हमारी कितनी थी, 30 की चेस्ट थी ना, तो उसका हमें हाफ कर लेना है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो जहाँ पे 15 इंच आएगा वहां पे यहाँ दोनों साइड पे मार्किंग कर लेनी है। ये चेस्ट हो गई, फिर यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। कमर हमारी कितनी है, 24 इंच की है, तो उसका हमें हाफ कर लेना है तो 12 इंच आएगा। तो जहाँ पे हमारा 12 इंच आएगा वहां पे हमें मार्किंग कर लेनी है, दोनों साइड पे 12 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम ऐसे सीधी लाइन बना लेनी है, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। फिर ये तो इसको तो अलग से सिलाई लगाना है और इसको भी। फिर ये जो हमारा कपड़ा है ना नीचे का जो पार्ट है उसको डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है, इसमें भी और ये जो मेन फैब्रिक है उसमें भी। देखो मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली, यहाँ पे भी सिलाई लगा ली और इसको भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और इसको देखो यहाँ पे मैंने अलग से सिलाई लगा ली है और यहाँ से अलग से सिलाई लगा ली। अभी इसको हम सीधा कर लेंगे। ऐसे हमारी कुर्ती पूरी कंप्लीट स्टिच हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।